अलीपुर थाना इलाके के यमुना घाट 17 नंबर ठोकर पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा बीते कुछ वर्ष पहले एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट का बनाने का उद्देश्य था दिल्ली का घटता भूजल जल स्तर लेवल सामान्य रखना। जब इस पायलट प्रोजेक्ट को बनाया गया तो करीब किसानों से दिल्ली सरकार द्वारा 40 एकड़ जमीन रिक्वायर की गई और जमीन पर दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा खुदाई कर यमुना किनारे बड़ी बड़ी झीलें बनाई गई थी। खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकाली उस माटी को यमुना किनारे ही स्टॉक किया गया ताकि जब किसानों से दिल्ली सरकार द्वारा किया गया एग्रीमेंट पूरा हो तो खेतों से उठाई हुई मिट्टी को वापस खेत में डंप कर सके और किसानों को फिर से खेती करने लायक खेत मिल सके। परंतु अब इस सरकारी माटी पर खनन माफियाओं की नज़र पड़ चुकी है और रात का अंधेरा होते ही जेसीबी मशीनों को लगाकर यहां से लगातार इस माटी की चोरी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। फील्ड में डूटी तो हम तो विजिट करते ही रहते हैं और ये हमने ये पायलट प्रोजेक्ट जो खोदा था इसके लिए इसकी मिट्टी यहाँ जमा करी थी जो कि हम किसानों को वापस दोबारा भर कर दे सके, तो इसलिए हमने ये मिट्टी यहाँ जमा की है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कोई काम वाले या कोई भी मतलब चोरी करके ले जा रही है। पुलिस में हमने लिखित में कंप्लेंट भी दे दी है, अधिकारियों को भी दे दिया है, बता दिया है और अपने ऑफिसरों को भी बता दिया। चोरी लगातार हो रही है? लगातार नहीं, कई जैसे एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के ऐसे ऐसे कर लेते हैं। नरेश कुमार राम है मेरा। नरेश जी, हाँ क्या देखा यहाँ पर अभी आप आए? जैसे कि हमारे फील्ड में ड्यूटी, हम सुबह आते हैं 9 बजे आते हैं तो साइड का दौरा करते हैं, यहाँ देखा तो ज्यादा मिट्टी उतरी थी जिसका कि हमने जेसीबी वगैरह या ट्रैक्टर द्वारा जब मिट्टी उठाई जा रही थी हमारे सामने, हमारे सामने कोई मिलता नहीं, रात में उठाते मिट्टी है, गैर टाइम उठाते हैं 12 बजे के बाद, पता नहीं चल पाया कौन है कौन नहीं है। शिकायतें हमने अपने अधिकारी को, हमने उसको ऑनलाइन पुलिस थाने में रिपोर्ट कराया। बराबर में तो अगर होगा तो उसमें होगा जरूर, ऐसा तो कोई है नहीं। अगर उसमें उसको फोटो देखें, कैमरा देखेंगे तो उसमें आ जाएगा कोई ना कोई। तो ये चिंता का विषय भी है, तो है। हाँ, चिंता का विषय तो यही है जी, क्योंकि हमें तो ये हमने जमा कर रखी है कि जब हम किसानों को वापसी जमीन देंगे तो इनकी जमीन इशार करके देंगे, इसी मिट्टी से इशार करेंगे।